हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों मेरा नाम अली हैदर है। मेरा नाम वकार है। नाम अली मेरा नाम अमर है। तो दोस्तों, दिल तो पागल है मूवी कंप्लीट हो गई। अब नंबर आया अर्जुन पंडित मूवी का, तो देखते हैं। सितारा सिंह भाई हमारे, उनकी मूवी है देवा भाई, सनी देओल। तो देखते हैं ये अर्जुन पंडित कैसी है, प्ले करें। देशमुख की फैमिली को भी यहाँ से गांव में शिफ्ट करा दिया गया है। आप फिक्र मत कीजिए, वो जेल से निकलते ही पंडित को मार डालेगा। और पंडित खलास तो हल्दीराम भी खलास। आउट तो हो गए यार, जब इतने सारे नए खिलाड़ियों को। आप फिक्र मत करना, सब ठीक हो जाएगा। बोलो कौन है आप? हमारे पंडित ने भेजा। मुंबई में आज फिर एक डेलाइट मर्डर हुआ है। ये मर्डर भी हल्दीराम और रमन कालिया के चलते हुए गैंगवार का नतीजा है। सूत्रों के अनुसार गोलीबारी का शिकार सिराज रमन कालिया गैंग का इंपॉर्टेंट मेंबर था। हम ये जानना चाहते हैं कि ये गैंगवार इस शहर में कब तक चलती रहेगी। पंडित साफ होना। नहीं रमन भाई, ऐसा मत करना। देखो थोड़ी पॉलिटिक्स खेलो, हल्दीराम के साथ दोस्ती करो। जैसे पंडित तुम्हारे हाथ में आएगा, हल्दीराम खत्म। पहली बार अकल का बात किया तुम। चलो शकील। हाँ सर। गाड़ी निकालो। जी सर। ए जेलर, हम मंत्री के साथ थोड़ा मीटिंग के लिए जाता है, दो तीन घंटे में वापस आएगा। और थोड़ा मेरा सेल साफ करने का, बहुत बदबू मारता है। ए चलो। हाँ चलो। स्पेशल टास्क फोर्स का ऑफिसर यहाँ पर आने वाला है। इंस्पेक्टर साहब, पुलिस का ये कहना है कि रमन कालिया और हल्दीराम के बीच में गैंग वॉर चल रहा है, लेकिन ये सब जानते हैं कि रमन कालिया इस वक्त जेल में है। तो इसका मतलब ये है कि रमन कालिया जेल से ही ऑपरेट कर रहा है। आज सिराज को मिलाकर मेरा पूरा 9 आदमी का गेम हो चुका है। यह जो हल्दीराम है, मेरा चमचा था चमचा, लेकिन एक पंडित की ताकत की वजह से मेरी कमर को तोड़ता जा रहा है। और तू एक मंत्री होकर भी आज तक मेरे को जेल से रिहा नहीं करवा पाया, समझा? रमन भाई, अगर 4 पॉलिटिशियन तुम्हारे साथ आते, 6 पॉलिटिशियन हल्दीराम के साथ भी है। उसकी पकड़ पॉलिटिशियन पर बड़ी मजबूत है। तू रोता, तू तब भी रोता था जब थिएटर के बाहर टिकट को ब्लैक करता था। डर रहोगे इसमें तंग। खैर, मैं जेल के अंदर हल्दीराम के आदमी को फोड़ा। वो जैसे जेल के बाहर जाएगा, पंडित साफ होना। नहीं रमन भाई, ऐसा मत करना। देखो थोड़ी पॉलिटिक्स खेलो, हल्दीराम के साथ दोस्ती करो। जैसे पंडित तुम्हारे हाथ में आएगा, हल्दीराम खत्म। पहली बार अकल का बात किया तुम। चलो शकील। हाँ सर। गाड़ी निकालो। जी सर। ए जेलर, हम मंत्री के साथ थोड़ा अर्जेंट मीटिंग के लिए जाता है, दो तीन घंटे में वापस आएगा। और थोड़ा मेरा सेल साफ करने का, बहुत बदबू मारता है। ए चलो। हाँ चलो। दोस्ती करने को आया, घोड़ा थोड़ी लाएगा। क्या कलयुग आ गया, मंत्री की भी झट्टी ले रहे हैं। नमस्ते हल्दीराम जी। क्या काम है मंत्री? हल्दीराम जी, मैं चाहता हूँ आपकी और रमन भाई की दुश्मनी हमेशा के लिए खत्म हो जाए, इसलिए मेरे विचार में आप दोनों को आपस में समझौता करना चाहिए। कैसा समझौता? वो तेरे को मैं बताता हल्दीराम, मेरे धंधों में से 3 धंधे मेरे को बहुत पसंद है, और वो है रंडीबाजी, ड्रग्स और फिरौती का धंधा। इसमें से तेरे को मैं देने को तैयार, शांति का वास्ते। इसका बदले में हमको क्या देना होगा कालिया? पंडित। हल्दी भाई, इस वक्त सोचिए मत। अगर पंडित तुम दोनों के लिए शांति दूत बनकर अपना बलिदान देता है, तो मैं वादा करता हूँ कि मैं पंडित के नाम पर एक चौराहा और एक पार्क बनवा दूंगा। हथियार बेचा जाता है कालिया, कोई अपनी ताकत नहीं बेचता। अरे एक बात समझ लो, अगर तुम लोगों की ये बात पंडित के कान में पड़ गई,
तो तुम लोगों का चाव था आज से ठीक चार दिन बाद। इसलिए मेरी बात मानो, जितनी सराफत से यहाँ पर आए हो उतनी ही सराफत से क्या कहते हैं, हाँ गेटा। कल सुबह मंगेश जेल से बाहर आता, सिटीजन होटल में जाकर उसको घोड़ा देना और उसको बोलो मेरे को पंडित का डेड बॉडी चाहिए, समझा तुम? तेरी हालत किसने बनाई? साहब, वो दो आदमी थे, क्रिकेट की कमेंट्री सुन रहे थे, उन्होंने मुझे बहुत मारा साहब। लेकिन मारा क्यों? साहब, सीक्वेंस बिल्डिंग में एक लड़की गाड़ी से उतरी साहब, उसके पास बहुत सामान था, मैंने उसकी मदद करनी चाहिए साहब, उसका सामान उसके घर तक पहुंचाया, भलाई का। अच्छा, तुमने उस लड़की की मदद की इसलिए तुम्हें मारा है? सच बता। सच बताओ साहब, वो लड़की बहुत खूबसूरत थी, अपनी नज़र इधर उधर चली गई, और उन लोगों ने मुझे बहुत मारा साहब। वो बोले अगर दोबारा देखा तो तेरे दीदे निकाल देंगे, हम लोग पंडित के आदमी हैं। पंडित? ये लड़की कौन है? ये एक्सीलेंट दीदी, के बिड़ा चार दिनों से तुम टॉप 10 में नंबर 1 चल रही हो। थैंक्स बेटी, बहुत हो चुका काम। क्यों पापा? भगवान की दया और अपनी मेहनत से तुमने चार पैसे जोड़ लिए हैं, अब तुम अपना घर बसाने का फैसला करो। डॉक्टर सिद्धार्थ अच्छा लड़का है, सोच रहा हूँ कल परसों पूना जाकर रिश्ते की तारीख पक्की कराऊं। मेरा फिलहाल शादी का कोई इरादा नहीं है पापा, पहले मुझे बिट्टू का फ्यूचर बनाना है, और आजकल करियर बनाने के लिए काबिलियत से ज्यादा पैसों की जरूरत है। मैं देखती हूँ। पंडित कहाँ है? पंडित मंदिर में। कौन से मंदिर में? किसी भी मंदिर में देख लो, कोई ना कोई पंडित मिल जाएगा। क्या बात है इंस्पेक्टर? पापा ये किसी पंडित की बात? मैं बात करने नहीं, तहकीकात करने आया हूँ। आज सुबह एक लड़के ने तुम्हें सामान उठाने में मदद की थी? हाँ की थी। दो आदमियों ने उसे बहुत पीटा था? पीटा होगा, किसी के आपसी झगड़े में मुझे क्या लेना देना। स्मार्ट रिप्लाई। आप जानती हो लोग कौन थे? आप जानिए, मैं जानकर क्या करूंगी। वो पंडित के लोग थे। ये पंडित कौन है? एक वांटेड क्रिमिनल, पुलिस रिकॉर्ड में 8-10 कत्ल किए उसने, और ऑफ रिकॉर्ड न जाने कितने। अगर तुमने इस पंडित के बारे में कुछ सुना तो मुझे यहाँ कांटेक्ट कीजिए, याद रखना पंडित। बेटा किसी पुलिस वाले का इस तरह से घर में आना अच्छी बात नहीं। पापा ये सब पुलिस वालों के ढकोसले, जब इनसे खुद कुछ करते नहीं बनता तो भले लोगों को परेशान करने चले आते। लेकिन ये पंडित है कौन? होगा कोई गुंडा, हमें क्या करना, चलिए खाना खाते। मैडम, जैसे पुराना क्रिकेटर कमेंटेटर बनता है ना, वैसे पुरानी गाड़ी म्यूजियम में जाती है। Shut up. वैसे हमें गाड़ी दे रहे थे, आपकी गाड़ी तो स्टार्ट हो नहीं जाएगी। Go away. अरे मैडम, आपको अकेला छोड़ के हम कहाँ गोवे हो जाएं? हमें भी तो ऊपर जवाब देना है। वैसे अगर आप चाहें तो हम आपको इस गाड़ी से कहीं भी छोड़ सकते। आप लोग हैं कौन जो बिन बुलाए मेरी मदद करने चले आए? हम पंडित के आदमी हैं। पंडित के चमचे। अरे मैडम क्या गजब कर रहे हो, पैदल कहाँ जा रहे हो? अरे आओ ना आप गाड़ी में आओ। अरे आप पैदल जाओगे तो पंडित नाराज हो जाएगा। तू हेल बन जाओ पंडित, मेरा पीछा किया ना तो मैं चप्पल से मारूंगी। देख चल, अगर हम मैडम को गाड़ी में बिठाती तो मैडम हमको चप्पलों से मारेगी, और हम नहीं बिठाती तो पंडित हमको 1000 बार का थप्पड़ मार देगा। तू भी ऊंट बने का आदमी है यार। मैडम आपको मारना है ना, लो मारो, लो मारो, मारो भाई। ऐसा आप मारोगे तो पंडित को नहीं मारेगा ना, ज्यादा से ज्यादा क्रियाकर्म करेगा हमारा। चलो लो मारो, मारो।
मुझे किसी पंडित लवालगी की जरूरत नहीं है। आप चाहते हैं कि मैं चुप रहूं, लेकिन क्यों? आखिर ये पंडित है कौन जिसके तुच्छे मेरा रास्ता चलना मुश्किल कर रहे हैं? पापा, चुप रहने का मतलब होगा इनको बढ़ावा देना। मैं अभी इनके खिलाफ रिपोर्ट करूंगी। निशा, हाय पापा। नमस्ते। नमस्ते। ये अंकल हो सुपरमैन है। हमारे बस को उतार कर मुझे नीचे उतारा और रास्ते में मुझे मैकडॉनल्ड्स लेके गए। वहाँ इन लोगों ने मुझे आइसक्रीम और चॉकलेट भी खिलाया। ये देखो, ये बर्गर और चिप्स भी दिए। आओ अंकल, दीदी के लिए चाय बनाना। बिट्टू, दो मुझे। तुम दोनों की जरूरत कैसे हुई घर में आने की? देखो जी, आपकी गाड़ी हमने रिपेयर करवा दिया और ये हो रही है आपकी गाड़ी की चाबी। आपकी गाड़ी की पेंटिंग का सारा काम भी हो गया। देखो जी, मैं यो कह रहा था कि वो आपका फ्लैट हो गया। नमस्ते। रमन करदर भी बोल रहा। बिट्टू, दोबारा इनकी दी हुई चीज को हाथ लगाए तो थप्पड़ मारूंगा। अपनी भड़ास एक बच्ची पे निकालने का क्या मतलब? ये गुंडे हैं पापा, इनका नमक खाकर इनकी गुलामी करनी पड़ती है और मीठा खाकर दलाली। मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। नहीं बेटी नहीं, तुम पुलिस के पास नहीं जाना। शायद तुम समझी नहीं, हमारा भला करके वो हमें बता गए हैं कि वक्त आने पर वो हमारा कितना बुरा कर सकते हैं। ले बेटा, अब संभाल ले। हाँ यार, ये लड़की के पीछे ही पड़ गए हैं। और पहले हमने देखा तो यही दो थे हरामी, एक गाड़ी में बैठा था बंदा, गोली मार दी उसको। तो जितने दिखने में ये फनी है उतने हरामी भी हैं। और लड़की को तंग कर रहे हैं, पंडित पंडित कर रहे हैं। पंडित भी कौन सा है, पुलिस वाला भी ढूंढ रहा था, हमें भी लगा कोई मंदिर वाला पंडित, पर जहाँ तो अलग ही भाई कोई कहानी चल रही है। तो भाई ये वाला अभी पंडित पंडित कह रहे, ये तो एकदम हमारी सस्पेंस बन गया है। पंडित कौन है? ये गुंडे भी बड़े हरामी है भाई, अभी तो मजाक कर रहे हैं ना। शुरुआत में जो इन्होंने अपना चेहरा दिखाया ना भाई मारने वाला, वो भी हमारे लिए शॉकिंग था भाई। अभी यहाँ पर हंसी मजाक कर रहे हैं, ऊपर ये बच्चा देखा तो मुझे ये हंसी दिला रही। डाटा बस रो दिया भाई ना, क्या ना भाई, बच्चा तो ना समझ दे ना भाई, उसका बर्गर और चिप्स फेंक दी तो फिर रोएगा नहीं और क्या करेगा। बड़े हरामी है भाई। एक बंदा फोन पर बात कर रहा था भाई, सीधा गोली उसको ठोकर मार कर चला गया। दोनों पंडित के आदमी कह रहे, पंडित ने कहा है आ जाओ आ जाओ, और वो बेचे की रात यार बर्गर तो खाने देते उसे यार। बच्चा भी रोतड़ू रहा है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वन।